गाइस, हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। आई होप तुम सभी लोग ठीक हो और मैं भी ठीक हूँ। क्यों ही बोलती हूँ मैं, तुम तो पूछते भी नहीं, पर हाँ मैं ठीक हूँ। और आज रक्षाबंधन है, पर आज शुभ मुहूर्त नहीं है और कल शुभ मुहूर्त है। बट गाइस, लड़कियों में क्या ही शुभ मुहूर्त, तो हम लोग रक्षाबंधन मना रहे हैं गाइस, मतलब बनाएंगे। अभी तो हम नहा के आएंगे, मतलब रेडी होंगे थोड़े बहुत, तो हम बनाएंगे रक्षाबंधन। तो जुड़े रहो, अभी पता नहीं हम कब रेडी होंगे, पर अभी मैं तेल लगा रही थी क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल है, तो मैंने सोचा तेल लगा लेती हूँ फिर बाद धोंगी। अब वॉशरूम में बहुत रश है, मतलब सारे नहा ही रहे हैं, तो फिर अब हम लंच के बाद नहाएंगे और अभी हम लंच करने जाएंगे। तुम भी बताना तुम आगे रात की कैसी रहेंगी, बताओगे तो नहीं कर बता देंगे। ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मतलब 19 साल में ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं अपने भाइयों के साथ नहीं हूँ। गुड इवनिंग। तो गाइस, हमने रक्षाबंधन तो नहीं बनाया, हम कल ही बनाएंगे जब शुभ मुहूर्त होगा, पर हमने कुछ आज प्लान किया है, तो ये तुम लोगों के लिए भी सरप्राइज़ है, तुम लोगों के लिए भी सरप्राइज़ है और हम लोगों के लिए भी सरप्राइज़ है। तो पर देखते रहो, पर तुम्हारा सरप्राइज़ तो टूट जाएगा, पर जो लोग यहाँ देखने आए हैं उनके लिए सरप्राइज़ है। ये मेरा कि मैं बताऊँगी नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, तुम देखते रहो कि हम क्या करते हैं। नहाने पर हम रेडी नहीं हो रहे, अभी हम ऐसे ही यही कपड़े पहनेंगे, रेडी होंगे हम कल। अगर हमारे से उठा गया तो हम 6:30 उठेंगे, शुभ मुहूर्त कल 6:30 से 7 बोला है, सुनने में ही आया है, तो देखते हैं कि उठता है कि नहीं। बाकी आज का सरप्राइज़ तो अभी भी है, हम लोगों ने अभी जस्ट सफाई सफुई की है और हम नहा जाएंगे, तो ओके नहा के मिलती हूँ। हम चुके हैं नहा, हम लोग डिनर नहीं कर रहे, हम लोग परौंठे ला रहे हैं तो कैंटीन में मिलता है। डर है क्या तुम पर? गाइस कुछ भी नहीं है, ना बर्गर है, ना पास्ता है, ना चाउमीन है, ना मोमोज है, सिर्फ परौंठे हैं, सिर्फ और सिर्फ परौंठे। तब हम सिर्फ परौंठे ले जाएंगे। पहले हमारा मतलब हमारा तो बर्गर और परौंठा ही खाना था, इसमें भी बर्गर और परौंठा ही खाना था। ऊपर वाले लोगों की डिमांड आता है कि ये रहा बोला ना ये रहा, कुछ भी नहीं है। आधे घंटे वेट करने के बाद हमारे परौंठे आ चुके। सो गाइस देखो हम लोग क्या कर रहे हैं। बालकनी में आज हमारा प्लान है मूवी देखने का, और हम यहाँ देखेंगे मूवी और वाह, और हम सोएंगे भी, मैं और जसविनी है ही आज। ये हमने बना दिया है अपना बिस्तर। गांजा गांजा तो इन में हमारा धन्यवाद आपका देवांशी जी। वैसे आप गाइस, वैसे हमारा मेन मोटिव बाहर बैठे जाने का ही है क्योंकि वहाँ पर इसकी चीटियाँ रखी हुई है, जो वहाँ पर हुई है वहाँ पर दिख रही हुई है, तो हम लोगों ने अपना निकाल के अभी दस मिनट निकाल के टाइम बाहर सारी चीटियाँ, तो इसलिए हम लोग बाहर बैठे। स्टडी आर्ट ख़त्म हो चुके हैं और अब हम लोग मतलब अभी तक पढ़ रहे थे, तो अब हम लोग थोड़ा सा बैठेंगे और मतलब बालकनी में, क्योंकि अंदर रूम में गर्मी है, और अब हम देखेंगे कुछ। सो गाइस नेहल ने भी हमें ज्वाइन कर दिया है। मेरे होंठ ज़्यादा थे अभी, ऐसे तो हम चमकने नहीं वाले। मत कर तू फ्लैश लाइट। अब हम लोग यहाँ बैठ चुके, इश मेरा चश्मा। हाँ अभी थोड़ा ज़्यादा वैसे ही लग गया शायद, है ना, दिखता नहीं रहा। तो गाइज अब हम कोई मूवी देखते हैं, सोचते हैं कि हम कौन सी मूवी देखें, पर ये आइडिया सच में अच्छा था। तुम्हारे को तो समझ नहीं आएगा ना, तुम्हें कुछ दिखा दे क्या ही दिखेगा, पर यहाँ पे नज़ारे अच्छे हैं।
देखो हमारे पाँव, ओ शिट, ये किसका पाँव है एक्स्ट्रा? ये क्या कर रही है? दिख नहीं रहा क्या इधर? कुछ नहीं दिख रहा। क्या ही दिखेगा इधर? ये घर दिख रहा है गाइस, हम बाहर है गैलरी में गाइस। तो गाइस हम लोग सो चुके हैं बाहर और हम तीनों एक बेड पे फिट आ चुके हैं, सिंगल बेड पे, सिंगल बेड, वन एंड ओनली बेड और वन एंड ओनली रजाई पर दो पिलो। और अब हम सोएंगे और अब हमने सुबह 6:30 बजे उठना है क्योंकि मुहूर्त है, तो हमें 6 बजे उठना मुहूर्त है राखी बांधने का। तो सुबह मिलते हैं तुम्हारे से, बाय गाइस। ये हाय दीपू, अरे यार वीडियो में गा रहा हूँ, टेंशन के लिए हम लोगों ने सोचा है कि हम कुरकुरा खा लेते हैं तब सोएंगे, भूख लग रही है। ये बताना है दो नहीं एक ही है। गुड मॉर्निंग गाइज, आई होप तुम सभी लोग ठीक हो। तो आज हम रक्षाबंधन मना रहे हैं, मैं उठ चुकी हूँ 6 बजे और ये सो रहे हैं अभी भी। तो इनको देती हूँ मैं थोड़ी देर सोने और मैं तब तक प्रेस कर लेती हूँ। मैं मुंह धो के आती हूँ अपना, इस पे थोड़ी देर में कुछ लगाती हूँ क्योंकि मुहूर्त मतलब 6:44 हो गया है, तो पहले एक बार पूजा कर देती हूँ तब उसके बाद मेकअप मतलब क्रीम क्रीम लगाऊंगी, हल्की सी लगा दी, देर में होती हूँ ठीक से रेडी। अभी ऐसे ही होती हूँ एंड देवांशी ने मेरे लिए ये राखी बनाई क्योंकि मैं अपनी राखी लगाने वाली थी भगवान को, जो हम अपने अपने लिए लाए थे, तो फिर देवांशी ने ये बनाई और ये बहुत प्यारी है। तो जो मुझे राख का दिल लग गया था वो लगाऊंगी, मतलब हवन का। बाकी सो रहे हैं तो उनको छोड़ देता है, हम लोग अपनी राखी बना रहे हैं। तो
ही गाइज, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. इतना ही था व्लॉग, आई होप कि तुम लोगों को ठीक लगा हो. और ठीक है फिर, बाय.